दोस्तों, अगर आपकी भी एज 18 प्लस हो चुकी है या फिर 18 साल होने में 2 से 3 महीने बचे हुए हैं और आप चाहते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना, तो कैसे आप फ्रेश वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप दिल्ली स्टेट के अंदर अपना फ्रेश वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अदर स्टेट से हैं तो प्रोसेस सेम रहने वाला है, तो कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले काम करना गया है, आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसमें सर्च करना है वोटर पोर्टल। सर्च करने के बाद देखिए जो पहला लिंक आता है वोटर सर्विस पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे वोटर सर्विस पोर्टल पे, जो कि है हमारी voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे फॉर्म्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, काफी सारे ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे। तो देखिए, न्यू और फ्रेश वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले करना होता है इस वेबसाइट पे साइनअप। तो यहाँ पे हम साइनअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी फैमिली में आपके बच्चों का या फिर जो भी 18 प्लस हुए हैं उसका आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने पहले इस वेबसाइट पे लॉगिन किया हुआ है, तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद अपने फैमिली में किसी का भी वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइनअप के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए हम साइनअप पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देके इस वेबसाइट पे साइनअप करना होगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि वर्किंग में होना चाहिए, जिसपे हमारे ओटीपी यहाँ पे आपको रिसीव होंगे। इसके बाद ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, जो कि ऑप्शनल है। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल करना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके मोबाइल नंबर पर और अगर आपने ईमेल एड्रेस फिल किया है तो आपके ईमेल एड्रेस पर भी ओटीपी सेंड किया जाता है। तो मोबाइल के ऑप्शन पे आपको जो मोबाइल पे ओटीपी गया है उस ओटीपी को फिल करना है और ईमेल के ऑप्शन पे जो ओटीपी गया है वो ईमेल के ऑप्शन में फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद अब हमें वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करना है। वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करते ही जो हमारा साइनअप का प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अब यहाँ पे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस आपका फिल कर लेना है या फिर ईपी नंबर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, जो भी आपने अभी क्रिएट किया है। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रिक्वेस्ट ओटीपी ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके मोबाइल नंबर पर अगेन ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि आपको ओटीपी ऑप्शन में फिल कर लेना है। फिल करते ही देखिए आपको ओटीपी फिल करने के बाद अब हमें वेरीफाई एंड लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे। अब आप यहां से न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप करेक्शन करना चाहते हैं कोई वोटर आईडी कार्ड के अंदर, वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो हमें यहां पे न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पे फिल करना होता है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर। तो यहाँ पे हमें फॉर्म नंबर 6 फिल करना होता है, तो हमें यहाँ पे फॉर्म नंबर 6 ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए हम आ जाएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे, जहाँ पे हमें न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए कुछ यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट करने होंगे। इसमें एल सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे वन बाय वन आपको अपना यहाँ पे सेक्शन को फिल करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इस लैंग्वेज में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद अब हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसमें सबसे पहले सेक्शन आता है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें अपने यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और असेंबली को। तो सबसे पहले हम अपने आप स्टेट के उसमें जाते हैं, जहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट के लिए आपको अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी स्टेट है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना है एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो देखिए अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप अदर स्टेट से यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप इजीली डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके जो फैमिली में किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है दिल्ली का, लाइक फादर मदर या फिर ब्रदर सिस्टर का, किसी का भी यहाँ पे आपका दिल्ली का या वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, उसको चेक करना है। उसमें आपको देखना है जो आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एक एक चेक करके चेक कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चेक करेंगे, अगर वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है तो आप यहाँ पे अपना वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे वन बाई वन जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी चेक करनी है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको मिल जाती है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वही आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तिमारपुर है, तो उसको मैं वन बाई वन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद चेक कर रहा हूँ कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तिमारपुर आती है वो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ।
तो मुझे तिमारपुर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मुझे मिली है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो कि आपकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो कि आपके फादर्स मदर्स या जिसके भी वोटर आईडी कार्ड में रिलेशन में आपकी है वो मेंशन है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद देखिए साथ में जो आपका नंबर है वो भी यहाँ पे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेक्शन ए यहाँ पे फिल हो गया है। अब आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं, फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हम सेक्शन बी पे आ जाएंगे। सेक्शन बी पे जाने के बाद हमें यहाँ पे फिल करनी है पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले जिसके नेम से आपको वोटर आईडी कार्ड बनाना है उसका फर्स्ट नेम या फिर मिडिल नेम जो भी है वो आपको फिल कर लेना है। इसके बाद सरनेम फिल कर लेना है, सरनेम उसका अवेलेबल है। साथ में जो उसका नेम है वो हिंदी में ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका हिंदी में नेम गलत आ रहा है तो उसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नेम फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसका फोटो भी अपलोड करना है। इसमें साइज आपको 2 MB रखना है, फॉर्मेट हमारा जेपीजी जेपीजी रहेगा। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो फाइल है जो कि फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोटो अपलोड कर लिया है और देखिए सक्सेसफुली जो एप्लीकेंट है उसका फेस यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। इसके बाद सेक्शन बी हमारा यहाँ कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है, क्लिक करते हम सी सेक्शन पे आ जाएंगे जिसमें हमें अपना नेम और सरनेम के लिए किसी भी रिलेटिव्स की यहाँ पे एक डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पे आपको रिलेशन में फादर का ऑप्शन मिल जाएगा, मदर का ऑप्शन मिल जाएगा, हस्बैंड का ऑप्शन मिल जाएगा, वाइफ का ऑप्शन मिल जाएगा और एक ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे अपने फादर्स का या मदर्स का, हस्बैंड का या फिर वाइफ का नेम यहाँ पे भी दे सकते हैं, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। इसमें उसका आपको नेम फिल करना है, उसका सरनेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो देखिए नेम और सरनेम जब इंग्लिश में फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका हिंदी में फिल हो जाएगा। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो हिंदी में चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है, क्लिक करते ही हम डी सेक्शन पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है मोबाइल नंबर का, अगर एप्लीकेंट का सेल्फ मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे वो टिक कर सकते हैं, अदरवाइज रिलेशन जो रिलेशन में आपको किसी का मोबाइल नंबर है उस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेल्फ ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसको आपको ओटीपी का ऑप्शन में फिल कर लेना है और फिर वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए ओटीपी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, यानी मोबाइल हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब हमें ईमेल आईडी का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप सेल्फ दे सकते हैं या फिर रिलेशन में किसी की भी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे फिल करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं अपना सेल्फ ऑप्शन क्लिक करता हूँ और फिर ईमेल एड्रेस में फिल कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद और ईमेल फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा जो सेक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ई सेक्शन जिसमें हमें अपनी आधार की डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे हमें आधार नंबर का उसमें क्लिक करना है और फिर आधार की 12 डिजिट आपको यहाँ पे अपनी फिल कर लेनी है जो कि एप्लीकेंट की आपको यहाँ पे आधार नंबर की 12 डिजिट आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक करना है, क्लिक करते देखिए हम एफ ऑप्शन पे जाएंगे जो कि जेंडर का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ पे मैं अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ एप्लीकेंट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्लिक करता हूँ। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो कि रहेगा डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पे एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करना है, जिसके लिए देखिए हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना आधार कार्ड के ऑप्शन को। इस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अब हमें अपने आधार कार्ड की यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। इसमें आपको फॉर्मेट रहेगा जेपीजी पीएनजी पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा, मैक्सिमम साइज आपको 2 MB तक आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल को क्लिक करके मैं अपने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। आधार कार्ड अपलोड होने के बाद अब हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यानी नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे जहाँ पे हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंट एड्रेस फिल करनी है। इसमें देखिए आपको हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर या अपार्टमेंट नंबर जो भी है वो फिल कर लेना है। स्ट्रीट नेम एरिया नेम आपको फिल कर लेना है, विलेज है कोई टाउन है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, पोस्ट ऑफिस का नेम फिल कर लेना है, पिन कोड फिल कर लेना है, साथ में तहसील मोहल्ला क्या लगता है आपका या मंडल आपका क्या लगता है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। साथ में डिस्ट्रिक्ट जो आपकी सिलेक्ट रहेगी वो सेंट्रल से रहेगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट पहले से ही आपके आपके सिलेक्ट रहेगा। अब देखिए जो आपने एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट
फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें देखिए आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसमें आप देखिए वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस कनेक्शन बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, बैंक पासबुक जो कि करंट होनी चाहिए, इंडियन पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, और तीन ऑप्शन देखने को और मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड पे आपका राइट एड्रेस मेंशन है जो कि दिल्ली का या फिर किसी भी स्टेट का जहाँ से लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन है, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर लीजिए। इसमें देखिए साइज आपको 2 MB रखना है, फॉर्मेट JPEG JPEG और PNG PDF रहेगा, जिसमें आपको अपनी फाइल यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। चूज़ सॉल्यूशन क्लिक करके देखिए हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे हमें कैटेगरी ऑफ मिलेगी डिसेबिलिटी की, यानी अगर एप्लीकेंट आपका विकलांग है तो कौन सा वो कैटेगरी का डिसेबिलिटी पर्सन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे स्किप कर देना है। तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे स्किप कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम आ जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जहाँ पे हमें डिटेल देनी है फैमिली मेंबर की, जो कि ऑलरेडी जिसका वोटर आईडी कार्ड बना होगा जिस एड्रेस पे, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको नेम ऑफ फैमिली मेंबर, अपना फैमिली मेंबर का नेम देना है, इसमें आपको डिटेल दे रहे हैं, इसमें आप रिलेशन रहेगा आपका वो फादर है आपके, वो मदर है, हस्बैंड है या कोई अदर लीगल गार्डियंस हैं, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फादर की डिटेल दे रहा हूँ, उसमें फादर का नेम फिल कर देता हूँ, रिलेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि फादर है, और उनका इपिक नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है, यानी जो एड्रेस आपने मेंशन किया है उसी एड्रेस पे उनका वोटर आईडी कार्ड बना होना चाहिए, उसी एड्रेस का वो जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे हमें डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे विलेज और टाउन का नेम फिल कर देना है, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज का नेम फिल कर दीजिए, सिटी से बिलोंग करते हैं तो टाउन का नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है, स्टेट आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अगर दिल्ली से हैं तो आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको पहले ही मैंने बता दिया है, इसको कैसे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद आपको अपना यहाँ पे जो एड्रेस है आपका रेजिडेंस एड्रेस है जो आपने फिल किया है उस पर आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर यहाँ पे बाई बर्थ आप रह रहे हैं तो आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जो मंथ है और ईयर है वो आपको यहाँ फिल कर देना है, अदरवाइज किस ईयर और किस मंथ से आप रह रहे हैं यहाँ पे इस एड्रेस पे वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको स्क्रॉल करने के बाद प्लेस का, तो प्लेस में आपको अपना यहाँ पे सिटी का नेम फिल कर देना है, डेट आपकी यहाँ पे पहले से ही फिल रहेगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है, क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि रहेगा हमारा कैप्चा का, तो हमें यहाँ पे राइट कैप्चा फिल कर लेना है और फिर हमें क्लिक करना है प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रीव्यू शो करेगा, जो हमें सेक्शन कंप्लीट किए हैं आपने जो डिटेल फिल की है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो करेगा, तो आपको अपनी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है कि आपने जो डिटेल है वो सारी सही भरी है या नहीं भरी है। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट होने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल चेक कर लेनी है, डिटेल चेक करने के बाद स्क्रॉल करना है, तो अगर आप अभी कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यस के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, क्लिक करते देखिए हमारे सामने हमारा रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है, इसी रेफरेंस नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे साथ में ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जिसको आप अपने पास सेव रख लीजिए, जिसमें आपका रेफरेंस नंबर भी मेंशन होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब हमें अपने रेफरेंस नंबर से अपनी एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे ट्रैक करना है। इसके लिए देखिए ओके ऑप्शन क्लिक करते हैं, क्लिक करते देखिए हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, अब देखिए हमें यहाँ पे जाना होता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको अपना यहाँ पे रेफरेंस नंबर फिल करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और सबमिट के उसमें क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों आप जो अपने यहाँ पे स्टेटस है वो ट्रैक कैसे कर सकते हैं, वो लॉगिन होने के बाद ही आप एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एप्लीकेशन स्टेटस है शो कर रहा है, उसमें रेफरेंस नंबर है, स्टेट है, असेंबली है हमारी, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फॉर्म टाइप है और सबमिशन डेट है, साथ में सबमिटेड हो चुका है हमारा एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे एरो ऑप्शन क्लिक करते हैं तो देखिए अभी डिटेल हमारी सबमिट शो कर रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको वेट करना है, जो कि अब जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है वो आपका BLO के पास जाएगा, फिर वो फील्ड वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा सबमिट, तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड डिजिटल भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही विद इन 50 डेज के अंदर आपका जो वोटर आईडी कार्ड है आपके एड्रेस पे आपको सेंड कर दिया जाएगा, जो कि आपका PVC वोटर आईडी कार्ड रहेगा, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। तो अब आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करते रहना है कि आपका ट्रैक जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो क्या है, वो रिजेक्ट हुआ है, वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है तो आप उसको डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे उसको डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने अलग से काफी सारी वीडियो बनाई है जो चैनल पे आपको मिल जाएगी, उन वीडियो को देखकर आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन।